Hello everyone, in this video I am going to discuss how we can design 1:16 demultiplexer using 1:4 demultiplexer. Means ki jo hume required demultiplexer hai, that is 1:16, and jo hamare paas available demultiplexer hai, that is 1:4. To sabse pehle to hume find out karna hoga ki how many 1:4 is required to design 1:16. Theek, to hum find out karenge number of 1:4 demux will be equal to required output divided by available output. Okay, and required output is 16, available output is 4. This one means ki yahan par kya aaya, 4. Theek, this is तो हमें क्या मिला, 4. नाउ वी कैन अगेन डिवाइड दिस बाय 4. अगर पॉसिबिलिटी है डिवाइड करने की तो हम अगेन इसे डिवाइड करेंगे. अगेन 4 से डिवाइड हुआ एंड हमें क्या मिला, 1. ठीक, नाउ मींस कि यहाँ पर लेबल्स कितने यूज होंगे, 2 लेबल्स, 1 लेबल एंड 2 लेबल. ठीक, लेबल 2 क्या होगा, लेबल 2 दिस वन होगा एंड लेबल 1 दिस वन होगा. क्लियर, मीन्स कि एट लेबल 2 हमारे यूज होंगे 4, 1:4, एंड लेबल 1 पर हमारे कितने यूज होंगे, 1. ठीक, तो टोटल हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे, 4:1, दैट इज इक्वल टू 5. ठीक, क्लियर. तो मैं पहले 5 कनेक्ट कर देती हूँ, देन हम उसके कॉम्बिनेशन वैल्यूज लिखेंगे. हमारे 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, ये लेबल 2 के लिए हो गए. लेबल 2 पे मैंने क्या बोले थे, 4. ठीक, सबकी 4 आउटपुट्स होंगी. डन, दिस इज y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9, y10, y11, y12, y13, y14 एंड y15. डन, ये हमारे 1:4, 1:4, 1:4, 1:4. ठीक, क्लियर. अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो दिस इज 0, आउटपुट 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. डन, क्लियर. ये हमारे लेबल 2 के 4 हो गए. नाउ वन मोर डीमक्स इज रिक्वायर्ड एट लेबल 1. ठीक, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज DM1, डी मल्टीप्लेक्सर 1, दिस इज DM2, दिस इज DM3 एंड DM4. सबके एक इनपुट होंगे, बट वो इनपुट आएंगे कहाँ से, तो हम इनपुट पर वन मोर डीमक्स यूज़ करेंगे. ठीक है, वन मोर डीमक्स. तो हमने यहाँ इनपुट पर 1:4 यूज़ किया, 0, 1, 2, 3 एंड फाइनल इनपुट, जो एक इनपुट होगा 1:16 का, 1:16 में नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, 1, वो हमारा कहाँ पर कनेक्टेड होगा, यहाँ पर. ठीक, दिस इज डेटा इनपुट, इसको मैं आई लिख देती हूँ. आई, आई इज़ द इनपुट, थोड़ा इजी रहेगा. आई फॉर इनपुट, डन हो गया. नाउ आउटपुट, फर्स्ट आउटपुट वर्क एज इनपुट फॉर फर्स्ट डीमक्स एट लेबल 2. नाउ सेकेंड आउटपुट वर्क एज इनपुट फॉर सेकेंड डीमक्स. थर्ड इनपुट वर्क एज इनपुट फॉर थर्ड डी मल्टीप्लेक्सर एंड फोर्थ इनपुट वर्क एज फोर्थ. डन, ने हैं सिलेक्शन लाइन के. हमारा जो रिक्वायर्ड डी मल्टीप्लेक्सर था वो क्या था, 1:16. तो हाउ मेनी सिलेक्शन लाइन्स इज देयर, तो 16 के लिए, इफ़ अगर आप 16 को 2 की पावर्स में लिखते हो तो यू कैन राइट 16 इज इक्वल टू 2^4. मीन्स कि 4 सिलेक्शन लाइन्स इज रिक्वायर्ड. हाउ मेनी सिलेक्शन लाइन, सिलेक्शन लाइन्स इज इक्वल टू 4. सपोज S3, S2, S1, S0, दीज आर द 4 सिलेक्शन लाइन इन विच S3 इज MSB एंड S0 इज LSB. ठीक है, ये हमारी वैल्यूज होंगी. तो जब भी हम कनेक्शंस करेंगे सिलेक्शन लाइंस के, तो याद रखना है आउटपुट लेवल पर हमारी LSB साइड होगी. मींस कि यहाँ जो सिलेक्शन लाइन होगी ये क्या होगी, S0, S1, विच इज़ कॉमन फॉर ऑल. आप सेपरेटली भी लिख सकते हो या एक साथ कनेक्ट करके लिख सकते हो.
बट हैं सारी सेम ही, सब कॉमन है, ठीक। एंड एमएसपी वाली कनेक्ट होगी एट लेबल वन, एस टू एंड एस थ्री, ठीक। नाउ ये हो गया हमारा सर्किट 1:16 यूजिंग 1:4, ठीक। नाउ अब कैसे डिसाइड होगा कि इन फोर में से कौन सा डीमल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपकी टेबल ऐसे होगी एस थ्री एस टू, ठीक। एंड यहाँ पर हम लिखते हैं डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक। 00 DM1 विल बी सेलेक्टेड बिकॉज इस पर हमें इनपुट मिलेगी, ये यहाँ पर जाएगी। 01 व्हेन हमने 01 दिया तो DM2 सेलेक्ट होगी, ठीक है। नाम मैंने यही दिए हैं। 10 दिया तो DM3 विल बी सेलेक्टेड एंड 11 दिया तो DM4। नाउ आई थिंक फ्रॉम द टेबल यू हैव क्लियर कि इफ S3 S2 इज 00 फर्स्ट डी मल्टीप्लेक्सर विल बी सेलेक्टेड, 01 सेकेंड सेलेक्टेड, 10 थर्ड सेलेक्टेड, 11 फोर्थ सेलेक्टेड। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ 1:16 डी मल्टीप्लेक्सर। यू कैन सी कि डिपेंड्स ऑन सेलेक्शन लाइन हमें इनपुट किस आउटपुट पर मिलती है। इफ ऑल इनपुट सेलेक्शन लाइन्स वैल्यूज इज 000 मीन्स S3 इज 0, S2 इज 0, S1 इज 0, S0 इज 0 तो Y0 पर हमें इनपुट मिलती है। इफ 0100 दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल 4 तो आप देखो Y4 पर हमें I मिल रही है, ठीक है। यू कैन सी नाउ अगर हम एक और केस लेते हैं 1001 दिस इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल 9 तो आप चेक करो करस्पॉन्डिंग दिस 9 पर हमें इनपुट अवेलेबल होगी, क्लियर। मींस कि जो भी कॉम्बिनेशन आप यहां पर दोगे उसके करस्पॉन्डिंगली वहां पर उस आउटपुट पर इनपुट अवेलेबल होगी, ठीक। नाउ अब हम अपने सर्किट से किसी एक वैल्यू को चेक करके देखते हैं। मींस सपोज हमने लिया दिस वन 1101 के केस में हमें आउटपुट कहाँ मिलनी चाहिए। दिस इज इक्विवेलेंट टू 13 मीन्स कि Y13 पर हमारी आई अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक। तो चलो हम डायग्राम से क्रॉस वेरीफाई करते हैं। ट्रुथ टेबल से हमने जो वैल्यू ली थी दैट वॉज S3 S2 S1 S0 क्या थी 1101, ठीक। एंड Y3 पर हमें क्या मिला था I, ठीक। तो हम ये चेक करते हैं कि इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक। तो हमारा जस्टिफिकेशन हो जाएगा इस सर्किट का। तो हमारी वैल्यूज देखते हैं S3 S2 इज 1111, S1 इज 0 मीन्स कि 0, S0 इज 1, ठीक। तो दिस वैल्यू विल बी अप्लाइड सेम टू ऑल, ठीक है, क्लियर। ये हमने अप्लाई कर दिया। नाउ 01 अप्लाई हुआ मीन्स कि Y1 सेलेक्ट होगा, इसका Y5 सेलेक्ट होगा बिकॉज सबके 1 सेलेक्ट होंगे, यहाँ Y9 सेलेक्ट होगा, यहाँ Y13, ठीक, क्लियर। जब 01 वैल्यू होती है तो हमारा 1 सेलेक्ट होगा, सबका 1, ठीक है। इसका 1 कनेक्टेड है विथ Y1, इसका 1 कनेक्टेड है विथ Y5, इसका 1 कनेक्टेड है विथ Y9, इसका 1 कनेक्टेड है विथ Y13, ठीक। नाउ S3 S2 की वैल्यू क्या है 11, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल एट 11 विच डी मल्टीप्लेक्सर विल बी सेलेक्टेड, फोर्थ वन मीन्स कि दिस वन। अगर ये हमारा सेलेक्ट होगा तो रिमेनिंग हमारे क्या होंगे, ये हमारा ऑफ होगा, ये भी हमारा ऑफ होगा क्योंकि इसको इनपुट ही नहीं मिलेगी, तो इनको क्या मिलेगा, जीरो। जीरो पे ये क्या होंगे, ऑफ होंगे। इस पर आउटपुट जीरो होगा, यहाँ आउटपुट जीरो होगा, यहाँ आउटपुट जीरो होगा और यहाँ आई अवेलेबल होगी। मीन्स ये ऑफ, ये ऑफ, ये ऑफ, आई हमारी कहाँ अवेलेबल हुई, फॉर दिस डी मल्टीप्लेक्सर। एंड दिस डी मल्टीप्लेक्सर का विच वन आउटपुट इज हाई, विच वन आउटपुट इज सेलेक्टेड, दैट इज Y13। तो हमें Y13 पर क्या मिलेगा, आई, ठीक। तो आई थिंक आई हैव क्लियर योर डाउट। स्टिल यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।